नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सपने में अंडा देखना क्या मतलब होता है, सपने में अंडा देखना कैसा होता है और सपने में अंडा देखना शुभ अशुभ होता है क्या होता है। और दोस्तों, इस सपने की अनेक अवस्थाएं, जैसे सपने में अंडा खाना, सपने में अंडा बेचना, सपने में टूटा हुआ अंडा देखना, सपने में अंडा खरीदना, सपने में काला अंडा देखना और सपने में सड़ा हुआ अंडा देखना। दोस्तों, मैं सभी सपने का मतलब आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, इनमें से बहुत से अपने शुभ सपने हैं और कुछ अशुभ सपने भी हैं, क्योंकि दोस्तों हर सपने शुभ नहीं होते, हर सपने अशुभ भी नहीं होते। तो चलिए जानते हैं इन सभी सपनों का क्या मतलब होता है और यही सही सपने किस बात की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों, अगर आप सपने में अंडा देखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सपना माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में अंडा देखता है तो उसके आने वाले समय में उसे धन लाभ हो सकता है। यह सपना जिस भी जातक को आता है उसके सुखमय जीवन का आरंभ होने वाला होता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। दोस्तों, ऐसा सपना आने पर आपके परिवार में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है, आपके परिवार में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, सपने में अंडा देखना एक अच्छा और सकारात्मक सपना माना गया है। अगर दोस्तों, अगर आपने सपने में अंडा खाते हुए देखा है तो यह भी एक बहुत ही अच्छा सपना माना गया है। स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में अंडा खाता है तो उसके आने वाले समय में उसे धन लाभ होता है, आने वाला समय उसका अच्छा होता है, जीवन में नए बदलाव होते हैं, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। अगर वह नौकरी करता है तो वहाँ पर उसे उन्नति देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ वहाँ प्रमोशन भी हो सकता है। अगर वह बिजनेस करता है तो वहाँ पर उसे अधिक मात्रा में लाभ हो सकता है। दोस्तों, परिवार में सुख शांति आती है, खुशहाली आती है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्त, इस प्रकार से सपने में अंडा खाना यह एक सपना बहुत ही शुभ एवं सकारात्मक सपना माना गया है। दोस्तों, सपने में अंडा बेचना यह सपना एक अच्छा सपना नहीं माना गया है। स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में अंडा बेचता है तो उसके आने वाले समय में उसे धनहानि होगी, उसका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, सपने में अंडा बेचना इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अगर आप खरीदते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि वहाँ पर अंडा अपने पास रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप अंडा बेच रहे हैं यानी कि आप अपनी अच्छाई किसी और को दे रहे हैं, इसलिए सपने में अंडा बेचना यह सपना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा सपना आने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा सपना आने पर आपको सचेत हो जाना चाहिए। दर्शकों, अगर आप स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में टूटा हुआ अंडा देखते हैं तो यह सपना एक अच्छा सपना नहीं है। अगर कोई जातक अपने सपने में टूटा हुआ अंडा देखता है तो उसके आने वाले समय में धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में जातक को इन्वेस्टमेंट में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्ट किया पैसा डूबने के भी योग बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सपने में टूटा हुआ अंडा देखना यह सपना भी एक अच्छा सपना नहीं माना गया है। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में अंडा खरीदना यह सपना एक शुभ एवं सकारात्मक सपना माना गया है। स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में अंडा खरीदता है तो उसके आने वाले समय में उसे धन लाभ हो सकता है, उसका आने वाला समय सुखमय होगा। दोस्तों, ऐसा सपना आने पर मनुष्य को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में शुभ व सकारात्मक बदलाव होते हैं। ऐसा सपना आने पर उसके परिवार में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, सपने में अंडा खरीदना हर प्रकार से अच्छा व सकारात्मक सपना माना गया है। लेकिन दोस्तों, सपने में सड़ा अंडा या काला अंडा देखना यह सपना अच्छा सपना नहीं माना गया है। स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में सड़ा अंडा या काला अंडा देखता है तो उसके आने वाले समय में धनहानि हो सकती है या आपके घर में कलह हो सकता है। दोस्तों, सड़ा अंडा किसी भी प्रकार से शुभ सपना नहीं है। ऐसा सपना देखने पर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए और किसी को भी कर्ज या पैसे नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसे समय में आपका पैसा भी डूब सकता है। तो दोस्तों, आपको मैंने सपने से में अंडे से जुड़ी सभी प्रकार के सपनों के बारे में बताया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। अगर नहीं प्राप्त हुए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड से अवश्य शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी से दैवी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों,